हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं काली माँ के ब्लेसिंग्स। ये वीडियो छोटू सा होगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो को अभी देख रहे हो या फिर आपके फीड में आए तो डेफिनेटली माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। एंड लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए एंड स्कैमर से बचिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपके रीडिंग, काली माँ के रीडिंग। सो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। काली काली महाकाली काली के पापा रानी धर्मत्त मुखरे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज दे दीजिए आज। वाओ काली महामाया, देखो मैं देख सकता हूँ कि आपका ना सेल्फ डाउट आ रहा है। लगभग मैं देख सकता हूँ कि जो भी हो सके, कोई पुराने बॉस आपको बहुत बुरे बोले, बहुत बुरा बोले थे, कुछ बहुत अपमान किए थे, आपको इंसल्ट किए थे, या फिर आपके लवर रिसेंटली आपको बहुत बुरा बोले है, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप ही के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, आप गुड इनफ नहीं हो। अब बहुत कोशिश करते हो लोगों को बोलने के लिए, मनाने के लिए, बट लोग आपको पसंद नहीं करते। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप थक गए हो लोगों के साथ अच्छे बनते हुए, और लोगों को कितना भी आप कुछ भी समझाओ, अक्सर लोग कुछ ना कुछ बुराई आपको कर देते हैं। तो ऐसा आपको माँ बोल रहे हैं कि देखो दिल छोटा मत करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत काइंड ऑफ पेन महसूस हो रहा है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, और ऐसा लग रहा है आपको कि आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर आप कुछ भी कर लो लोग तो आपको गलत सोचेंगे ही। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ किए, कोई आपको बुरा कुछ बोले ही, या फिर कोई आपको दिल काइंड ऑफ हर्ट किए है, कोई आपका दिल को। मैं देख रहा हूँ कि कोई सेलफोन पे किसी के साथ बात करते करते बहुत हर्ट हो गए थे, या फिर कोई गुस्से में आके आपको कुछ बोल गया, और उसके बाद वो शायद आपको सॉरी भी बोला है। बट आपको अक्सर ऐसा लगता है कि लोग आप ही को क्यों टारगेट करते हैं, आप ही को इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें क्यों महसूस मतलब लोग करवाते हैं। इसका आंसर्स माँ आपको दे रहे कि देखो इसके माँ बोल रहे कि मेरे शरीर में कोई कपड़े नहीं है। तो एक चीज़ ये कि पहले तो आप छोटे छोटे चीज़ को लेके बड़ा बनाओ मत, एंड आपको एक चीज़ सोचना है कि आपके जो परमात्मा है वो बहुत बड़े है दूसरों से। आप यहाँ पे बहुत बड़े काम करने के लिए आए हो, और आपके सोल पर्पस बहुत बड़े है, तो आप माँ के सामने खड़ा सोना हो, इसीलिए आपको परीक्षा लिया जाता है। बट ये पार्ट है आपके लाइफ का, आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो और जहाँ पे आप पहुँचोगे, उस जगह पे पहुँचने के बाद ये सब चीज़ आपको एक छोटा लगेगा। और इसीलिए माँ आपको बोल रही है कि जहाँ पे आप हो, आप माँ आपके साथ है, भले आपको लोग कुछ बुरा भला बोल रहे हो उसको मत सुनो, नज़रअंदाज करो, आप अपने काम को करते रहो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो, क्योंकि वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको जो सुकून देंगे, कोई किसी पर्सन के कमेंट आपको सुकून नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे और भी माँ एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखो आपके फैमिली का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बट डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, आप खुद को अकेले मत समझो, क्योंकि माँ आपके साथ खड़ी है। लिटरली माँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो चीज़ को माँ देख रही है, और माँ कुछ ऐसे नहीं करेंगे जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को आपको झेलना पड़े। माँ आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके आ रहे, और साथ ही साथ एक चीज़ बोल रहे कि जो भी लोग आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट किए हैं, नेगेटिव जजमेंट किया है, इसको हटाओ। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप कितना सच्चे दिल से प्यार करते हो, आपको पता है कि आप माँ को कितना प्यार करती हो। ओके लेट्स सी नेक्स्ट और क्या मैसेज मिल रहा है आपको। यहाँ पे आते हैं कालिका तंत्रिका। कालिका तंत्रिका माँ मतलब आपको बोल रहे कि देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, ध्यान में बैठना होगा, त्याग को स्वीकार करना होगा, डिटैचमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। कई कबार लाइफ में हम लोग ऐसे उलझन में आ जाते हैं कि आपको हम लोगों को फोकस नहीं रह पाते भगवान के ऊपर, ट्रस्ट नहीं कर पाते भगवान के ऊपर। कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप हो जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, जहाँ पे सिर्फ आपको लग रहा है कि एक एक दिन आप बिता रहे हो, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, बट हो रहा है डीपेस्ट सोल लेवल पे आपका प्रोग्रेस हो रहे है। माँ आपको बोल रहे हैं कि जो भक्ति आप कैरी करते हो खुद के साथ, जो आपके दिल में जो भक्ति है माँ के लिए, उसको माँ जानते हैं बहुत अच्छे से। आप क्या फील करते हो माँ के बारे में, उसको माँ बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कितना अच्छे से लोगों को प्यार करते हो वो भी जानते हैं। माँ एक ही चीज़ बोल रहे कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, और उस चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस
आने का जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से स्टक होके फंसे है ना, आप आगे जा पा रहे हो ना आप पीछे आ पा रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ब्लॉक करके रखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बात तो करते हैं बट उसके दिल का इंटेंशन सही नहीं है। तो यहाँ पे माँ एक ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं, आपको एक नए जगह पे लेके जाएंगे, अचानक कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाला है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है, ऐसा हो सकता है कि आप को पता चलेगा कुछ सच्चाई और कुछ लोगों को आप टाटा बाय बाय करने वाले हो, या फिर कोई कनेक्शंस को आप रिलीज करोगे अपनी लाइफ से, पुरानी कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहे हो और एक नए चीज़ नए डायमेंशंस की तरफ जा रहे हो। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ड्रीम्स देखोगे जो लोग अभी दुनिया में नहीं है, जो लोग बचे नहीं है, कुछ ऐसे एंसेस्टर्स आपके साथ बात करेंगे, माँ खुद आके आपके साथ बात करे, क्योंकि सोल नरिशमेंट हो रहा है, सोल बहुत बहुत कुछ देख लिए है, सोल तो सोल क्लींजिंग हो रहा है आपके। डेफिनेटली अगर आप शिव जी के भक्त हो तो यहाँ पे शिव जी आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ओम चैंटिंग करिए, क्रीम चैंटिंग करिए, माँ को पूछिए। मून फेज भी ऑन है तो मैं देख सकता हूँ कि मन उथल पुथल हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, सर चक्कर आ सकते हैं, ये सब हो रहा है क्योंकि एक डीप स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो रहा है। स्पेल हुआ था आपके ऊपर, नेगेटिव ईवल आई आया था आपके ऊपर, वो चीज़ को क्लींज कर रहे हो। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके बाउंड्रीज को बढ़ाओ, लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो एंड अंदर के जर्नी के ऊपर फोकस करो, भक्ति को और बढ़ाओ, डेली प्रैक्टिस करो, डेली पूजा करो एंड डेफिनेटली सरेंडर करना सीखिए, डेफिनेटली पूजा करना सीखिए। जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें सॉल्व आसानी से हो जाएगा। लास्ट कार्ड देख लेता हूँ, माँ क्या बोल रहे, जय माँ काली। लास्ट कार्ड यहाँ पे आता है गुणा तंत्रिका। ना गुणा तंत्रिका का मतलब क्या है, तीन गुण है, सत्य, रजत एंड तम। ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण हम लोगों के लाइफ के साथ बहुत इफेक्टिवली कनेक्टेड है। सत्य गुण क्या है, जो साधु लोगों के रहते हैं, जो साधक लोगों को रहते हैं, जो लोग अक्सर पूजा पाठ ज्ञान एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भगवान के दर्शन में बिताते हैं। तमगुण क्या है, कपड़ा मकान रोटी फिजिकल इंटीमेसी काम, ये होता है तमगुण। तमगुण में अक्सर लोग किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, किसी के प्यार में आ जाते हैं। और रजगुण क्या है, जो राजा का जो गुण होता है, जिसमें अहंकार है, जिसमें ज्ञान भी है, सतगुण के अंदर के कुछ चीज़ें हैं, जिसमें अहंकार है, जिसमें घमंड है, जिसके अंदर भगवान के लिए प्यार भी है और उसके साथ साथ दूसरों के लिए गुस्सा भी। तो ये जो तीन गुण है, ये तीन गुण हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इनमें से आपको क्या करना होगा आपको पता ही चल गया है। आपको सतगुण को फॉलो करना है, तमगुण को भी फॉलो नहीं करना है, राजगुण को भी नहीं फॉलो करना है। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि देखो आप में से बहुत सारे लोग अभी भी तमगुण पे हो, यानी कि आपको कपड़ा मकान अपने लाइफ अपने संसार किसी के साथ लव रिलेशनशिप, यहाँ से अगर यहाँ पे आप हो इसके लिए ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा रजगुण पे जाना होगा, थोड़ा सा खुद को सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर लेके आना है, नहीं तो लोग आपको कुचल के चला जाएगा। ओके, अगर आप रजगुण के अंदर हो के लाइक आपको पता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है, आप भी कनेक्ट कर पाते हो, आप भी इंट्यूटिव हो और आपकी आप भी माँ के साथ बहुत क्लोज हो, तो यहाँ पे आपको क्या सोचना होगा, क्या आपके अहंकार बढ़ तो नहीं जा रहा है, क्या आपके लोभ बढ़ तो नहीं जा रहा है, क्या आपके जो सुख सुविधा आपको भगवान दे रहे हैं कि ये बहुत बढ़ तो नहीं जा रहे, तो कट ऑफ करने का वक्त आ गया है, रिलीज कीजिए एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है रिलीज कीजिए। और अगर आप सतगुण में हो, अगर आप लोगों को मदद करते हो अनकंडीशनली मदद करते हो, या फिर अगर आप बहुत अच्छे से लोगों के लिए प्रे करते हो अनकंडीशनली लोगों के पास रहते हो, लोगों के साथ खड़े रहते हो, तो ये क्लियर कट साइन है कि आप अभी सही पथ पे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो तीन गुण हैं, गुणतंत्र का मतलब सोल क्लींजिंग हुआ है, मेडिसिन मिला है, इनमें से तीन गुण के सभी गुण हम लोगों के लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2023 है, ये 1950 नहीं है। तो ये तीन गुण में तीन गुणों का बैलेंस माँ बरकरार रख रहे हैं। लिटरली कैसे बैलेंस, आपके क्राउन चक्र को ठीक कर रहे हैं, हार्ट चक्र को ठीक कर रहे हैं, रूट चक्र को भी ठीक कर रहे हैं, ताकि आप फोकस कर सको सतगुण में, ताकि आप अपना साधना को कंटिन्यू कर सको। ये डीपेस्ट नॉलेज है, आप अगर इस चीज़ को गूगल में पढ़ोगे, ये फिर सत्य तम रज क्या है ये चीज़ को अगर आप देखोगे तो और अच्छे से जान पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली 1111 एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए माँ काली टैरोट बाय निर्बल मुखर्जी। वहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं हमेशा हूँ, लिंक मेरे बायो पे है। प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, स्कैमर से बचिए, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर नहीं है और मैं आपको कभी भी ऐसे कमेंट भी नहीं करूँगा।
बाय, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।